हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अनादो वीडियो अब जैसे जे आई जी एल का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो है जे आई जी एल में हमने मेजर टॉपिक्स जो है वो कवर कर दिए हैं और कुछ और इम्पॉर्टेंट uh, टॉपिक्स मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मैं आज आपको जो है कवर करवा दूँगी इफ़ यू ऑलरेडी डोंट नो तो मैंने टॉर्च पर वीडियो शूट कर दी है आर टी आई पे वीडियो है आई टी एक्ट पर वीडियो है सी पी सी आई पी सी एंड सी आर पी सी इन सब के ऊपर जो है वीडियोज चैनल पर पड़ी हुई है यू कैन लिटरली गो एंड

इंटरप्रेट किया जा सकता है नेचुरल लॉ पॉजिटिविस्टिक लॉ हिस्टोरिकल लॉ सोशोलॉजिकल लॉ एंड रियलिस्टिक लॉ राइट नेचुरली जो नेचुरली हो रहा है जिसको हम बोलते हैं ना जैसे कर्म वैसे धर्म की भगवान अपना जस्टिस कर रहा है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉ पॉजिटिविस्टिक लॉ की पॉजिटिवली डिसीजन आना चाहिए पॉजिटिविटी होनी चाहिए हिस्टोरिकल लॉ जो पुरानी चीजों से रिलेटेड होता है सोशियलॉजिकल सोशलॉजिकल कहता है कि सोसाइटी का हमेशा ध्यान रखना है सोसाइटी की आई वुड से हित में डिसीजन होना चाहिए एंड रियलिस्टिक रियलिस्टिक इज समथिंग दैट गोज डेज जिसको

that means personal right it is not like that the customs i follow you will also follow the same customs right i say communities so when we talk about a place custom that is called geographical when we talk about a community or a personal custom that is called a personal local custom right uh, for the, uh like it could be for a particular locality particular section particular community in general means that goes generally in the country follow and then conventional customs conventional customs they are actually called user ages right something these customs are binding due to an agreement between the parties but they're not डू टू एनी लीगल अथॉरिटी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं बट एक अग्रीमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो गया दैट इज इट लाइक इट मस्ट भी शोन दैटेंशन इज क्लियरलीट इज फुलट्रैक्टिंग पार्टीजा कोई कस्टम बना है सेकेंडली कन्वेंशन के नॉट ऑल्टर द जनरल लॉ ऑफ लैंड जो जनरली चीजें होती आ रही वो जनरली वैसे ही होती आएंगी हम थर्डली इट मस्ट बी रीजनेबल मूविंग फर्दर टू रिक्वेज ऑफ अ वैलिड कस्टम हम कौन सी बात को कस्टम बोलेंगे कौन सी चीज को हम बोलेंगे हाँ भाई ये कस्टम है ठीक है वैलिड कस्टम है कुछ ऐसे

ही करनी है, that is reasonableness, एक reasonableness चेक करना, जो है वो बुरा नहीं होना चाहिए के लिए, उसका जो है पे, वो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस ऑफ कस्टम बैलेट तब होता है जब उसे बड़े ऑब्जर्व करके किया जाए ठीक है कोई इंटरप्रटेशन नहीं होनी चाहिए कोई इंटरप्शन सॉरी नहीं होनी चाहिए कॉन्फॉर्मिटी विद लॉ इन पब्लिक मोरलिटी डेफिनेटली कोई भी ऐसा कस्टम जो सोसाइटी को अफेक्ट करता है या मॉरल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ है उन्हें हम कस्टम्स में नहीं मानते उन्हें अच्छा नहीं मानते राइट सो तो द तो गुड कस्टम्स जो हैं उन्हें हम लेके आते हैं यूनानिमिटी ऑफ ओपिनियन अब कोई कस्टम कोई रीति रिवाज तो लोग उस पर सवाल नहीं करते पीपल डोंट रेज देर ओपिनियन सो इज देज़ अनानिमिटी ऑफ ओपिनियन कि ऐसा ही होता है पीसेबल एन्जॉयमेंट आराम से सब उसको इन्जॉय करते कंसिस्टेंटली और ये चीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली कई सालों से होती आ रही है अब ये आते हैं प्रेसिडेंट्स ठीक है प्रेस जो मैंने आपको बोला था प्रेसिडेंस या उट के जो डिसीजन यूज होते हैं तो क्या होता है, high court की बात आती है जिस जगह का हाईकोर्ट होगा उसके डिसीजन उसके सारे सबॉर्डिनेट कोर्ट लेकिन एक हाईकोर्ट का डिसीजन दूसरे हाईकोर्ट के लिए मैंडेटरी uh, नहीं होता अगर मैं बोलू कि पंजाब एंड हरियाणा ने एक डिसीजन लिया तो वही दिल्ली हाईकोर्ट भी माने इट इज नॉट नेसेसरी बाइंडिंग नहीं होता एक हाईकोर्ट के नीचे जितने जो रिस्ट्रिक्शन है लाइक अगर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट है उसके नीचे पंजाब एंड हरियाणा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट जितने भी कोर्ट है भी उन सबके ऊपर बाइंडिंग हुआ

यानी कि सिंगल जज को हम स्मॉलेस्ट uh, बेंच कहते हैं टू और मोर जज को हम डिवीजन बेंच कहते हैं और जो सबसे बड़ा होता है उसको हम फुल बेंच कहते हैं जिसमें थ्री और मोर डिसीजन जो पेंडिंग अगर वन बेंच का कुछ और ओपिनियन है गिवन बाय अदर कोऑर्डिनेट बेंच दो द डिसीजन इज रॉन्ग फॉर एग्जाम्पल डिविजन बेंच ने कोई डिसीजन दिया वो सिंगल बेंच के ऊपर वैलिड uh, हो गया ठीक है क्योंकि ये बड़ा बेंच है ये छोटा है राइट ये है, ये सुपीरियर कोर्ट कोर्ट है 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 थोड़ा उससे नीचे आता इन्फीरियर तो जो डिविजन बेंच ने डिसीजन लिया वो सिंगल बेंच पे वैलिड है लेकिन सिंगल बेंच को ऐसा लग रहा है कि डिसीजन ठीक नहीं है तो अपने आप से नहीं हटा सकता उसे वापस से जाना पड़ेगा फुल uh, बेंच के पास अगर उसे ठीक करवाना है अपने एंड पे वो ठीक नहीं करवा सकता उसे वापस से फुल बेंच के पास एक हेरकी है ठीक है हमारा बॉस है, है फिर नीचे है फिर नीचे अगर ये डिसीजन गलत है बाइंडिंग तो है देखो करना तो पड़ेगा लेकिन अगर आप

लाइक यू नो बाइंडिंग होता है कुछ नहीं कर सकते लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना जो जजमेंट है उसे रिवाइज कर सकती है अपने आप को देख सकती है सिर्फ वो खुद पे बाइंडिंग नहीं होती बाकी सब पे बाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का तो आपको पता ही है हाईएस्ट कोर्ट है सबके ऊपर यू नो इसके decisions लगते हैं दैट यू शुड नो मूविंग टू प्रेसिडेंट्स किस किस तरीके के होते हैं ठीक है प्रेसिडेंट्स होते हैं चार तरीके डेक्लेटरी एंड ओरिजिनल एब्सलूटलीटिव अथॉरिटेटिव डेक्लेटरी ओरिजिनल होते हैं जो ओरिजिनली लिखे आते हैं ठीक है जो ओरिजिनली डिसाइडेड फर्स्ट टाइम में जो डिसाइडेड केसेस होते हैं वो होते हैं टेकली या फिर जो सिर्फ डिक्लेयर्ड होते हैं ठीक है ये चीज डिक्लेयर कर दी गई है दैट आर

यू नो कंसे सेम है जिनकी जिनमें एक जैसी बात हो रही है तो उन्हें एक तरीके से डिसाइड किया जाए जिससे हम कहते हैं डॉक्टरी ऑफ स्टेर डिसेज यानी कि लाइक केसेज शुड बी डिसाइडेड अलाइक लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना कि कोई रिजिट या इनहेविटेबल डॉक्टरी नहीं है जिसे फॉलो किया जाए एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस यानी कि जस्टिस नहीं होना लेकिन हम जबरदस्ती नई नई डॉक्टरी ऑफ स्टेर डिस स्टेयर डिस तो वो हमें करना है वैसे आपने इसे फॉलो नहीं करना बट हाँ हमेशा ये होता है कि लाइक केसेज शुड बी डिसाइडेड अलाइक ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है फिर होता है रेशो डिसेंडेंटी अब ज़रूरी नहीं है किसी से जजमेंट में से हर चीज लेनी है कहते हैं कि अगर दूसरे जज को ऐसा लग रहा है कि लाइक केस है लेकिन कुछ फैक्ट्स मैचिंग है कुछ फैक्ट्स मैचिंग नहीं है तो उसमें से कुछ बिट्स एंड पीसेस रेशियो में कुछ चीजें वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है डिसीजन में से वो वो डिसीजन एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है जो उसके केस से रिलेट करते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि दो केसेस है कि दोनों के फैक्ट सेम हो ठीक है तो जितना पोर्शन उसे बाइंड कर रहा है जितना पोर्शन उसे लग रहा है कि मेरे केस के साथ मैचिंग है उतना वो एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकता है राइट अब उसके बाद आता है उप... डिक्टा ऑबिटर डिक्टा क्या होता है सेट बाय द वे वैसे इसका मतलब होता है सेट बाय द वे तो क्या होता है जब जब भी जजमेंट आप देखोगे ना तो बहुत सारी लंबी लंबी जजमेंट्स ज़ आती है कोर्ट्स की तरफ से तो उसके बीच में ना कभी कभी ऐसी चीजें लिखी होती है जो फैक्ट बेस एविडेंस बेस नहीं होती वो जज अपने माइंड सेट को लिख रहा होता है ठीक है जज अपनी तरफ से चीजें लिख रहा होता है कि उसे क्या फील हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस और ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट अब जब वो जजमेंट हमारे पास आती है तो हम हंड्रेड परसेंट ये नहीं कह सकते कि ये बात जो है वो जज एविडेंस बेस्ड है या नहीं तो ऐसी बातें जो जस्ट बाय द वे

तो वो जुडिशियल अटरेंस होती है तो उन्हें फॉलो करो या ना करो जजेस आर नॉट बाउंड बाय दैट फिर आता है सेकेंडरी प्राइमरी तो हमने पढ़ ली है सेकेंडरी सोर्सेज एक तो है जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइन हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जब आप जस्टिस लेने चले जाते हो जब आप कोर्ट में हो तो पहली चीज़ आप ये देखोगे कि भाई मुझे इंसाफ मिले मुझे इक्वली ट्रीट किया जाए ठीक है मेरी बात सुनी जाए तो वो सारी चीज़ें पहली बात, दूसरा सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ इंग्लिश लॉ से काफ़ी चीज़ें हैं जैसे कि कॉमन लॉ से हमने देखा लॉ मर्चेंट से हमने लिया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी से हमने लिया एंड स्टैचूट लॉ से इन सारे सोर्सेज से हमने जो है लॉ को इंटरप्रेट किया मर्केंटाइल या कमर्शियल लॉ कमर्शियल लॉ वैसे क्या है देर आर मेरी ब्रांचेस ऑफ एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को मैं आज पढ़ाऊंगी क्रिमिनल लॉ जिससे सी आर पी सी हो गया आई पी सी हो गया सिविल लॉ जिसके लिए सी पी सी हो गया ठीक है एंड मर्केंटाइल एंड कमर्शियल लॉ जो कि मर्चेंट्स के लिए बना है ठीक है वो लोग जो ट्रेडिंग करते हैं जो कि मर्चेंट्स के लिए बने इसके सोर्सेज क्या है इसके सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ ये एक सेकेंड इसके सोर्सेज और सोर्सेज ऑफ इंग्लिश लॉ बिल्कुल सेम है ठीक है इसके सोर्सेज अगर आप देखोगे और वो देखोगे तो बिल्कुल सेम है तो एक ही जगह पर लर्न कर लो लॉ वर्शन स्टैचू लॉ कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ठीक है उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्कंटाइल लॉ जो इंडिया के जो लॉज बने ठीक है वो कैसे बने इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ सबसे पहले फिर जो इंडियन लेजिस्लेचर में एक्ट्स थे फिर जो जुडिशियल डिसीजन आए और जो ये कस्टम्स एंड ट्रेड यूज है ये मोर और लेस है हमारे प्राइमरी सोर्सेज हमने ऊपर पढ़े हैं ठीक है थीके? तो प्राइमरी सोर्सेज में भी कुछ कुछ ऐसा था सबसे पहले इंग्लिश था यहाँ पे इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ हो गया ये है वो स्टैचूट वाला ठीक है और ये है डिसीजंस एंड प्रेसिडेंस वाला और ये है कस्टम लॉ वाला राइट के बाद आती है थ्योरीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल थ्योरी की राइट right? लीगल थ्योरी हमें क्या कहती है इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल एंटरप्राइज विद जोर स्टूडेंट्स दैट इन्वॉल्व डेवलपमेंट एंड एनालिसिस ऑफ फाउंडेशन ऑफ लॉ ठीक है डेवलपमेंट भी होगी एनालिसिस में सिंपल दो बातें कही जाती हैं ये पॉजिटिविज्म पे बेस्ड है जो कहता है कि लॉ कमांड है ठीक है लॉ आर कमांड्स और जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं वो होते हैं वर्थ परसुंग डिस्टिंट फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरीज एंड डिस्टिंट फ्रॉम क्रिटिकल इवेल्युएशन यानी कि कमांड का मतलब होता है ऑर्डर ठीक है इसके हिसाब से जो लॉ है वो ऑर्डर पे चलता है लॉ एक कमांड है जो देनी पड़ती है उसे परसू करवाने के लिए तो ये वर्थ परसुंग है और ये सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंक्वायरीज बिल्कुल अलग है और ये क्रिटिकल एवेलुएशन से भी अलग है डिसीजन कैन बी डिड्यूस लॉजिकली फ्रॉम प्री डिटर्माइंड रूल्स विदाउट सोशल लेम्स यानी कि मॉरलिटी भी मत देखो पॉलिसी भी मत देखो सोशल रूल्स के हिसाब से जाओ बिकॉज मॉरल जजमेंट्स के नॉट बी इस्टेब्लिश और डिफेंडेड रैशनल आर्ग्यूमेंट एविडेंस और प्रूफ मॉरल जजमेंट्स का ये मतलब होता है ना देखो मॉरल्स तो सबके अलग अलग होते हैं ठीक है समथिंग दैट आई वुड से मॉरल कुड भी इमोरल फॉर यू ठीक है समथिंग दैट आई वुड से इमोरल कुड भी मॉरल फॉर यू लाइक दैट अब इसी के ऊपर जॉन ऑस्टन ने यही बोला था कि तीन चीजें वो कहते हैं लॉ तीन चीजें हैं लॉ कमांड है इट इज अ कमांड इट इज गिवन बाय सोवरन अथॉरिटी सोवरन अथॉरिटी लीडर हो सकता है यू you नो know, आपके जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो सकती है जो भी रूलिंग पार्टी है <laughs> जो भी रूलिंग अथॉरिटी एंड थर्डली इट हैज़ अ सेंक्शन बिहाइंड इट सेंक्शन का मतलब होता है कि अगर आप उसे फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी राइट सो इट्स अ कमांड गिवन बाय सोशल सोवर अथॉरिटी एंड इट हैज़ अ सेंक्शन ओवर इट कमांड क्या होता है कमांड ये माना जाता है विश और डिज़ायर ठीक है जो एक इंटेलिजेंट पर्सन देता है बेसिकली ये माना जाता है कि एक पोलिटिकली सुपीरियर पर्सन पोलिटिकली इंफीरियर पर्सन को देता है कमांडर एंड कमांडर पोलिटिकली सुपीरियर पर्सन पोलिटिकली इंफीरियर पर्सन को देता है देन सोवरेन सोवरेन होता है लाइक वो पर्सन जो पोलिटिकली सुपीरियर है ठीक है सोवरेन एक अथॉरिटी हैबिचुअल ओबिडेंस जिसकी बात लोग सुनते हैं एंड सेंक्शन का मतलब सेंक्शन का मतलब है कंसिक्वेंस अगर आप बात नहीं मानोगे तो फिर क्या कंसिक्वेंस होंगे क्या पनिशमेंट होगी क्या पेनल्टी होगी ठीक है सो कमांड सोवरेन एंड सैंक्शन ये तीन चीज़ें आती इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी जॉन ऑस्टिन की कमांड थ्योरी ऑफ लॉ की क्रिटिसिज्म ये थी सबसे पहले उन्होंने बोला कि वेलफेयर स्टेट्स जो हैं ठीक है दे पास अ नंबर ऑफ सोशल दे डू नॉट दैट डू नॉट कमांड बहुत सारे वेलफेयर स्टेट्स हैं जो कमांड नहीं करती लोगों को सिर्फ उनकी राइट्स बताती है बेनिफिट्स बताती है ऑर्डर नहीं करती सेकेंडली अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरेन को किसी को अबे करने की जरूरत नहीं होती ठीक है सब बस सोवरेन को अबे करते बट एक्चुअली में जैसे इंडिया का एग्जांपल आप लेते हो इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन uh, uh, से बाहर नहीं जाते कॉन्स्टिट्यूशन मेजर लॉ है ठीक है तो सोवरेन को भी किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ता है सोवरेन कंप्लीटली फ्री नहीं होता थर्डली ऑस्टिन डज नॉट प्रोवाइड फॉर जजेस मेड लॉज वो जजेस मेड लॉ को और वही नहीं करता जबकि जुडिशियल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है किसी भी इकोनमी में एंड फोर्थ सेंस द प्रेजेंस ऑफ सोवरेन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ प्रोपोजिशन तो ऑस्टिन डिड नॉट रिकोगनाइज जो इंटरनेशनल लॉज है वो कौन सी सोवरेन चलाती है राइट right? तो ये चार क्रिटिसम्स है उसके बाद आता है रॉस्को पाउंड रॉस्को पाउंड ने बोला सिमिलरिटी ऑफ टास्क ऑफ लॉयर एंड इंजीनियर एंड उसने सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी दी उसके हिसाब से जो है तीन बातें आती हैं सबसे पहले कि इंटरेस्ट पता होना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है पब्लिक इंटरेस्ट क्या है एंड सोशल इंटरेस्ट क्या है सेकेंडली अ डेफिनेशन ऑफ द लिमिट्स ठीक है जो लीगली रिकग्नाइज लिमिट्स है वो बताओ एंड थर्डली सिक्योरिंग ऑफ दोज इंटरेस्ट विद इन लिमिट्स ठीक है अचीव करना है लेकिन लिमिट में राइट तो पहली बात तो इंटरेस्ट का पता होना चाहिए इंडिविजुअल पब्लिक एंड सोशल सेकेंडली उसकी लिमिट्स क्या है थर्डली उसे

एवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑफ़ इंटरेस्ट तो ये पांच चीजें पहला प्रेपरेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंट्री ऑफ इंटरेस्ट सेकेंडली सिलेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट थर्ड डिमार्केशन ऑफ द लिमिट्स फोर्थ कंसिडरेशन ऑफ द मीन वे बाई

घर वालों के साथ कैसे रिश्ते हैं उसके लिए हमें लॉ चाहिए कि अगर कल को उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है क्या उसके लिए लॉ है डोमेस्टिक लॉज या पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप या चिल्ड्रेन के साथ रिलेशनशिप इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड ठीक है हमारी प्रॉपर्टी है भाई उसके लिए विल के ऊपर लॉज ले गया उसके ऊपर यू नो और लॉज ले किया उससे रिलेटेड क्या लॉज है तो सबसे पहले इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के हिसाब से लॉज बनाना दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कहता है जैसे इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज अ जोरिस्टिक पर्सन ठीक है स्टेट का क्या इंटरेस्ट होगा कि मेरी जो कंट्री तो स्टेट uh, के लोग हैं अच्छे से रहे इंटीग्रिटी से रहे फ्रीडम से रहे सेकेंडली स्टेट एज अ गार्डियन ऑफ सोशल इंट्रेस किसी भी जगह के लिए स्टेट क्या होता है ना जी आई जी एल में इट एज वाइडर पर्सपेक्टिव स्टेट कंट्री भी हो सकती है स्टेट एक एरिया भी हो सकता है राइट तो जिस जो भी सोवरेन ने स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों के सोशल इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाए ठीक है फिर आता है सोशल इंटरेस्ट सोशल इंटरेस्ट में से जनरल सिक्योरिटी होनी चाहिए ठीक है सोशल इंस्टीट्यूशन में सिक्योरिटी जैसे डोमेस्टिक रिलीजियस पोलिटिकल इकोनॉमिक में सिक्योरिटी होनी चाहिए जनरल मॉरल लॉज बनाओ जैसे प्रॉस्टिट्यूशन uh, के साथ रिलेटेड गैमलिंग uh, के साथ रिलेट बाई गैमिंग के साथ ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए बिकॉज ये मॉरली गलत है सोशल uh, रिसोर्स को का कंजर्वेशन करना जनरल पर्पज एंड इंडिविजुअल लाइफ तो पब्लिक और इसमें पब्लिक में मेजरली वो स्टेट की बात करता है और सो, सोशल में वो सोसाइटी की बात कर रहा है और इंडिविजुअल इंडिविजुअल में तो वो की ही बात कर रहा है फिर आते हैं क्रिटिसिज्म इसका क्रिटिसिज्म क्या है सबसे पहली बात पाउंड ये कहता है कि इंटरेस्ट प्री एग्जिस्ट लॉ इंटरेस्ट पहले होता है लॉ बाद में बनता है बट एक्चुअली में फंक्शन ऑफ अ लीगल सिस्टम शुड बी फंक्शन ऑफ द लीगल सिस्टम शुड भी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन कम्पीटिंग इंटरेस्ट बट वी है अकॉर्डिंग टू पाउंड ये कहता है पाउंड के हिसाब से इंटरेस्ट पहले आता है और लॉ बाद में आता है लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखें तो लॉ पहले आता है और लॉ के वजह से बहुत सारे इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होते हैं सेकेंडली थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी कैटेगरी क्राइटेरिया फॉर इवेलुएशन ऑफ इंटरेस्ट उसने बस ये बता दिया कि ये 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 इंटरेस्ट है लेकिन इसे इवेलुएट कैसे करना है वो उसने नहीं बताया सो यू कैन से दैट इट इज़ नॉट क्लियर इट इज़ अनसर्टन थर्डली पाउंडस थ्योरी ऑफ बैलेंसिंग इंटरेस्ट कैन बी इफेक्टुएटेड मोस्ट

बेसिक थिंगट की बहुत ज्यादा फर्क नहीं है एंड फिफ्थ रिक्शन ऑफ अंटरेस्ट इज अटर ऑफ पॉलिसी ठीक है वो डिपेंड करता है उसने बोला दैट जज ही सर्व एज अ जज ऑफ़ न्यूजीलैंड एंड ही प्रोक्लेम दैट डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस एन इन देंस डिफर्ड फ्राम यू नो बेंथमन एंड ऑस्टन उसके हिसाब से जो मेन पर्पज था किसी भी यू नो थ्योरी का दैट शुड बी डिलीवरेंस ऑफ जस्टिस कि जस्टिस मिलना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें करने के बाद सलमन ने यह बोला कि डेवलपमेंट एंड मचोरिटी ऑफ लीगल सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस मिलना ही चाहिए जजिस बिकम्स जज जस्टिस बिकम्स इंक्रीजिंगली जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कोर्ट्स ऑफ जस्टिस बिकम्स इंक्रीजिंगली कोर्ट्स ऑफ लॉ तो यानी कि बहुत ज़रूरी है कि हम जस्टिस पे ध्यान दें ठीक है अ लॉ और द लॉ में भी उसने फर्क बताया इन सेट दैट द फॉर्मर इसका मतलब है कोई कॉन्क्रीट और इसका मतलब है एबस्ट्रैक्ट राइट जहाँ हम अ ल लॉ लिखते हैं इसका मतलब होता है कॉन्क्रीट कोई चीज़ स्ट्रोंग कोई चीज़ पूरी की पूरी इन फुल और जिसको हम बोलते हैं द लॉ वो किसी चीज़ का एक्स्ट्रैक्ट होता है ठीक है पूरा लॉन का एक्सट्रैक्ट होगा तो इसका मेजर जस्टिस मतलब कि सैलमन का था जस्टिस के ऊपर ठीक है इस अदर डेफिनेशन सेड दैट लॉ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड ऑन इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस लॉ की जो डेफिनेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट सेंस mm -hmm. है यानी कि वो सेट ऑफ रूल्स है जिनके थ्रू जस्टिस मिलना चाहिए इसकी क्रिटिसिज्म क्या थी फर्स्ट Salmond's assert assertion that justice is the end and law is the only medium to realize it does not hold true. ठीक है ना क्योंकि बहुत सारे ऐसे laws हैं जो unjust हैं. Salmond ने बोला कि law के through ही हमें justice मिल सकती है. तो it is wrong क्योंकि बहुत सारे laws जो हैं वो unjust हैं. तो that is not true. Secondly, the pursuit of justice is not the only purpose of law. सिर्फ justice ही सब कुछ नहीं है. The law of any period serves many ends. सिर्फ justice नहीं होता. बहुत सारी चीजें होती हैं. कभी, कभी compensation होती है. कभी-कभी यू नो लाइफ को प्रायोरिटी दी जाती है इन टर्म्स ऑफ जस्टिस तो सिर्फ जस्टिस ही यू नो अल्टीमेट गोल नहीं हो सकता एंड थर्डली दर इज अ अंट्रिक्रिक्शन जहाँ पे सालमन ये कहता है कि पर्पज ऑफ लॉ जो है वो जस्टिस के लिए है बट ही लिमिट्स दूरिस प्रूडेंस टू द स्टडी ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सिविल लॉ ऑफ अ नेशनल लीगल सिस्टम बिकॉज जस्टिस इज अ अवर्सल कॉन्सेप्ट एनालिसिस ऑफ लॉ शुड नॉट बी कॉन्स्ट्रेन बाई नेशनल बाउंड्रीज ठीक है तो कोई भी जुरिस प्रुडेंशियल जो लॉ की स्टडी है वो कभी भी लिमिट नहीं होनी चाहिए तो वहाँ पे उसका जो थ्योरी है वो थोड़ी सी यू कैन से के गड़बड़ है राइट ओके okay. उसके बाद बारी आती है कैल्सन की हैंस केल्सन की थ्योरी को हम बोलते हैं प्योर थ्योरी ऑफ लॉ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में उसने ये बोला कि जो थ्योरीज़ है ठीक है देवा इमप्योर ठीक है जो पहली थ्योरीज आई हैं जैसे उसमें वो रिलीजन लेके आ रहे हैं मोरालिटी लेके आ रहे हैं नहीं जो थ्योरी है वो बहुत ही प्योर होनी चाहिए ठीक है ही आल्सो फोकस्ड ऑन पॉजिटिविस्टिक जो चीज़ें ऑस्टन ने बोली जिसने बोला था कि कमांड होना चाहिए सोवरेन होना चाहिए सैंक्शन होना चाहिए इसने भी मोरललेस वही चीज़ें बोली ठीक है के इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है नॉर्मेटिव साइंस एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम नेचुरल साइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सो लॉ इज़ प्राइमरी नॉर्म विच टाइप ले सेंशन इसकी क्रिटिसिजम ये थी कि इसने बोला एक ग्रांड नॉर्म लेके आओ ठीक है एक्चुअली इसने बोला कि बेस लेके आओ ये देखो वी अटैच लीगल नॉर्मेटिव मीनिंग टू सर्टन

इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर लीगल सिस्टम में आपको ग्रंड नॉम मिले ठीक है ऑल्सो उसने ये तो बताया नहीं किस रूल के ऊपर किसी आर्ट स्ट्रिक के ऊपर हमें इसे फाइंड आउट करना है सेकेंडली इट डिड नॉट गिव द टाइम फ्रेम फॉर विच द इफेक्टिवनेस शुड होल्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलडिटी टू बी सेटिसफाइड कितनी देर तक आपने देखना है ग्रंट नॉम कितने टाइम तक सेटिसफाई होना चाहिए वो चीज़ उसने बताई नहीं Kelsen's theory ceases टू बी प्योर वैसे वो अपने आपको प्योर कहता है जब वो ये बोलता है subjects अदर देन लॉ लाइक उसने जब ग्रंट नॉम लगा दिया ठीक है वहीं पे उसकी थ्योरी प्योर नहीं हुई क्योंकि टेक्निकली वो कह रहा है कि लॉ प्योर होना चाहिए उसमें सोसाइटी की बातें मोरालिटी की बातें हिस्ट्री की बातें नहीं आनी चाहिए बट वेन यू आर फिक्सिंग अ ग्रंट नॉम ग्रंट नॉम फिक्स जब आप करते हो अगर आप कोई भी यार्डस्टिक फिक्स करते हो कोई भी आई वो ए थ्रेश फिक्स करते हो उसमें ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करते हो हिस्ट्री भी कंसिडर करते हो सोसाइटी भी कंसिडर करते हो राइट right? मोरालिटी भी कंसिडर करते हो तो वहीं पर उसकी जो प्योर थ्योरी है वो प्योर नहीं रहती राइट देन लास्टली इंटरनेशनल लॉ जो है इट डज़ नॉट से टेल्व विद कैल्स थ्योरी बिकॉज ही एडवोकेटेड द मॉनेस्ट व्यू ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ एंड डिक्लेयर द ग्रेड नम ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम पॉस्ट्यूलेटेड द क्राइमिस ऑफ इंटरनेशनल लॉज ऑफ द एक्चुअल एक्सपीरियंस है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मोस्टली गिव क्राइम अब अब हमारे यहाँ पे म्यूनिसिपल लॉज को इंपॉर्टेंस दी जाती है इंटरनेशनल को तो नहीं तो वो ये कहता है कि नहीं इंटरनेशनल लॉस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी विच इज नॉट राइट तो इस तरीके से क्रिटिसिजम बनती है उसके बाद आती है जेरी बेन्थम ne nebula that a law may be defined as an assemblage of signs, declarative of volition, conceived or adopted by a sovereign in a state concerning the conduct to be observed, like class of persons. Again, he talks about the society. लोग कैसे बिहेव करते हैं लोगों के लिए उसने बोला कि मेन दो बातें होती हर सोवरेन की जो कमांड है वो दो चीज़ों पे होती है पेन एंड प्लेजर प्लेजर मतलब खुशी पेन मतलब लोगों के दुख राइट वो कहते हैं कि ऐसा लॉ बनाना है जिससे लोगों के पेन कम हो और प्लेजर बढ़ जाए ठीक है उससे क्या होता है अब इसके मेजर डिफरेंट सबसे पहले उसने बोला सोर्स सबसे पहले ये देखो कि सोर्स क्या है इज द विल ऑफ द सोब्रेन क्या इंटेंशन है सोब्रेन ये चाहता है सोब्रेन ये चाहता है कि हमारे लोग खुश रहे तो सबसे पहले आती है सोर्स कि लॉ तो सबसे पहला आता है सोर्स दूसरी बात आती है सब्जेक्ट्स किन किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है ठीक है किन किन ये अब लोग हो सकते हैं अगर लोगों की इंटरेस्ट की बात हो रही है चीजें हो सकती है अगर चीजों की इंटरेस्ट की बात हो रही है ऑब्जेक्ट्स ठीक है द गोल ऑफ गिवन लॉ आर इट्स ऑब्जेक्ट्स कि मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि हमारे लोग खुश रहे ठीक है देन एक्सटेंड किस एक्सटेंड तक वो जो है डिफाइन किया जा सकता है देन आता है आस्पेक्ट्स आस्पेक्ट्स होते हैं

जज एंड एक्शन ये प्ले प्लेजर पे पेन क्राइटेरिया लेके आ रहा है अब एक चीज हमेशा याद रखो और उसने ये नहीं बताया कि उसका क्राइटेरिया आप कैसे लोगे अब पर्सन टू पर्सन पेन और प्लेजर दोनों अलग अलग, अलग चीजें होती है राइट सो दैट इज वाई डिफरेंस एंड फिफ्थ इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट एंड इनक्रीज ऑफ हैप्पीनेस ऑफ अटन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विलीड टू ओवरऑल हैप्पीनेस कभी कभी एक सोसाइटी के सेक्शन को खुश करने के लिए दूसरा सेक्शन जो है वो नाराज हो जाता है तो जरूरी नहीं है कि अगर आप एक सेक्शन को खुश कर रहे हो तो पूरी की पूरी सोसाइटी खुश हो रही है इट कुड बी अदरवाइज एज वेल राइट तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं चैप्टर नंबर वन दिस इज चैप्टर नंबर थ्री विच इज़ राइट दिस इज चैप्टर नंबर थ्री जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ठीक है सबसे पहले स्टैचू जो है इन सारी क्लासेज में इस तरीके के स्टैचू या एक्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पार्ट्स में जो है डिवाइडेड है कोडिफाइंग डिक्लेरेटरी रेमेडियल अमेंडिंग कंसॉलीडेटिंग इनेबलिंग डिसेबलिंग और स्ट्रेनिंग एंड पीनल कोडिफाइंग का मतलब होता है जो अनरिटन लॉ को कोडिफाई करते हैं ठीक है सब्जेक्ट के ऊपर जो अनरिटन लॉ है उसको कोडिफाइंग करते हैं उसको कोडिफाई करते हैं उसको कहते हैं कोडिफाइंग लॉज द देन डिक्लेरेटरी होता है कि दे डू नॉट कोई ऑल्ट्रेसन नहीं करनी मेयरली सिर्फ डिकलेयर करना है या एक्सप्लेन करना है देन रेमेडियल किसी चीज़ की रेमेडी देनी ठीक है ऑल्टर करना कॉमन लॉ को या जजमेंट लॉ को कोऑल्टर करना उससे हम कहते हैं रेमेड्यूल अमेंडिंग का मतलब होता है जब आप मेन स्टैट्यूट लॉ को अमेंड करते हैं जैसे आपके अमेंडमेंट्स आते हैं दैट इज अमेंडिंग लॉ कंसॉलिडेटिंग इकट्ठा कर देना कभी कभी बहुत सारे लॉज एक ही टॉपिक पे हो जाते हैं तो वो कहते हैं उनको इकट्ठा करके एक ही लॉ बना दो इनेबलिंग इनेबलिंग का मतलब होता है कि दे रिमूव अ रिस्ट्रिक्शन किसी डिसबिलिटी को हम हटा देते हैं इनेबल कर देते हैं वैसे ही डिसेबलिंग और स्ट्रेनिंग रुकवा देना ठीक है कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देना पीनल मीन्स पेनल्टी को इम्पोज करना अब इसमें इंटरप्रिटेशन के पहले प्राइमरी रूल्स होते हैं फिर अदर रूल्स होते हैं प्राइमरी रूल्स में आते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन आती है मिश्रिव रूल आता है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन हारमोनियस कंस्ट्रक्शन एंड द

ये आपने ज़रूर लिखना है नेचुरल ऑर्डनरी पॉपुलर फॉर्म में से is, इसे इंटरप्रेट करना यानी कि एज इट इज इसे इंटरप्रेट करना है ऐसी कोई तोड़ मरोड़ नहीं करनी कुछ भी इंटरप्रटेशन में जैसे सीधा साधा लिखा है वैसे ही इसे इंटरप्रेट करना उसे हम कहते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन फिर आता है मिशिफ रूल या हेडन्स रूल मिशिफ रूल या हेडन्स रूल बात करता है चार चीज़ों की ये रही फर्स्टली कि वॉट वॉज द कॉमन लॉ बिफोर द एक्ट एक्ट बनने से पहले कॉमन लॉ क्या कहता था अब कोई भी एक्ट ना ऐसे ही नहीं आ जाता ठीक है सेकेंडली वो कहेगा कि मिशिप क्या थी एक्चुअली मिशिप होता है जैसे बच्चे शरारते करते हैं ना ठीक है कि मिशिप क्या थी क्या ऐसी चीज थी जिसका लोग फायदा उठाते थे ठीक है एंड डिफेक्ट क्या था क्या ऐसी कमी थी कॉमन लॉ में जिसका फायदा उठा के लोग उसको मिस कर रहे थे थर्डली रेमेडी क्या लेके आई पार्लियामेंट इसे रिजोल्व कराने की एंड फोर्थली ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी ये चार पॉइंट्स और ऐसे तो आपने बिल्कुल नहीं लिखना जैसे यहां लिखा है वन टू थ्री फोर इस तरीके से लिखना है दो उसमें भी ना कभी भी पेपर में से 1, 2, 3, ऐसे वन टू थ्री ऐसे लाइंस में नहीं लिखते ऐसे लिखते हैं प्रॉपरली वन टू थ्री फोर ठीक है तो पहले आपने ये देखना है कि कॉमन लॉ क्या था सेकेंडली उस कॉमन लॉ में या डिफेक्ट क्या था थर्ड रेमेडी क्या प्रोवाइड की पार्लियामेंट ने एंड फोर्थली ट्रू रीजन ऑफ रेमेडी ये चार चीजें मिशिफ लॉ बताता है कि जो गलती थी वो क्या थी क्योंकि हमेशा ये चीज मानी जाती है हर एक्ट एक पर्पज के साथ आता है ठीक है ऐसे तो नहीं एक्ट बना दिया हर एक्ट का एक पर्पज होता है वो आपने फाइंड आउट करना है राइट उसके बाद आता है रीजन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन होता है कि ऑर्डिनरी वर्ड्स में ना करके उसका मेजर मोटिव समझना ठीक है हम लिटरल कंस्ट्रक्शन क्योंकि लिटरल कंस्ट्रक्शन में सही मीनिंग नहीं पता चलता ठीक है तो वो कहते हैं ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन में नहीं करना उसको समझो उसका फेयर एंड रीजनेबल कंस्ट्रक्शन करो कि एक्चुअली में एक्ट क्यों आया था ठीक है एक्ट कहना क्या चाहता है जस्टिस की तरफ जाने के लिए एक्ट क्या कहना चाहता है एक्ट की इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करो कि उस पता चले कि मतलब कि वो अपने ऑब्जेक्ट को मीट कर पाए ठीक है अपने पर्पस को मीट कर पाए उसके बाद आता है हारमोनियस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन होता है विन विन सिचुएशन ठीक है कि लड़ाई नहीं होने देनी दो कोई भी दो बातें हेड ऑन क्लैश कर रही है तो इस तरीके से सल्यूशन होना चाहिए कि दोनों अपनी अपनी जगह पे स्टैंड करें आपस में भिड़े नहीं हमें विन विन सिचुएशन तक आना है कोई भी कंफ्लिक्ट का टाइम होता है या हेड ऑन क्लैश होता है उस टाइम पर हमने इस तरीके से इंटरप्रटेशन करने कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर खुच रहें दोनों ही अपना अपना जो है रूल अपना अपनी जगह पर जो है एप्लीकेबल uh, हो जाए राइट एंड वेन देर आर

सेम काइंड बेसिकली जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो आप उसी से उसको रिलेट करो ठीक है जिस एक्ट में यूज किए जा रहे हैं वो सेम काइंड या सेम स्पीशीज के होंगे सेकेंडली इफ पर्टिकुलर वर्ड्स एग्जॉस्ट द होल जीनस द जनरल वर्ड्स आर कॉन्स्ट्रेट एम्ब्रेसिंग, कोई एक वर्ड से पूरी बात खत्म हो रही है ठीक है पूरे वर्ड से पूरी की पूरी चीज को आप रिप्रेजेंट करो तो जितने भी जनरल वर्ड्स होंगे वो उसकी बढ़ाई के लिए होंगे ठीक है तो वर्ड्स जो कि सेम काइंड या सेम स्पीशीज के हैं उनकी इंटरप्रटेशन उसी तरीके से करनी है बट टू अप्लाई द रूल द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी देयर स्टैचूड ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स उसमें होने चाहिए मेम्बर्स

जब एक एक्ट में यूज किए जाने वाले वर्ड्स जो होते हैं जनरल वर्ड्स होते हैं वो मेन एक्ट से रिलेटेड होते हैं मेन एक्ट से रिलेट करने वाली बात होती है उसे हम कहते हैं जस्टम, जेनरस उसके बाद आते हैं अदर रूल्स ये तो प्राइमरी रूल्स हो गए अदर रूल्स में सबसे पहले आता है एक्सप्रेसिव एक्सक्लूसिव अल्टीरियस विच मीन्स दैट मैंशन ऑफ वन थिंग एम्प्लाइज द एक्सक्लूशन ऑफ अनदर जहाँ पे एक बात को बोला गया है एक मेंशन दिया गया है एक चीज को वो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज को एक्सक्लूड कर देता है राइट मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अनादर ये इंप्लाई करता है राइट right? इसे एक्सक्लूड कर दिया जाए सो मेंशन ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर दूसरा कहता है कंटेम्पोरेनिया uh, Expositio est optima et fortissima in lake. It means that contemporaneous exposition is the best and strongest in law. Actually, says that where the words used in a statute have undergone alteration.

सेम ही मीनिंग होता है लेकिन ये रूल कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं होता वेन द कॉन्टेक्स्ट एक्सक्लूडेड दैट प्रिंसिपल ठीक है अब लिखा हुआ है कि इस वर्ड का यहां पे ये मीनिंग नहीं ठीक है वो चीज़ ठीक है सेकेंडली इफ द सफिशियंट रीज़न कैन बी असाइंड सफिशेंट रीजन बताया जाए कि इसमें ये मीनिंग है एक्चुअली में इसका ये मीनिंग है बट इस क्लॉज के लिए इस सेक्शन के लिए इसका मीनिंग ये है थर्डली वेर इट वुड कॉज इनजस्टिस और एब्सर्डिटी अगर हम उसे एज इट इज ले लेंगे ले ले तो इनजस्टिस हो सकता है फोर्थली विद वेयर डिफरेंट सर्कमस्टांसिज आर बींग डेल्ट विद और वेद द वर्ड्स आर यूज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स इन चीज़ों में हम वर्ड्स को नोन बाय एसोसिएट्स नहीं करेंगे सेम वर्ड को सेम मीनिंग नहीं देंगे देन कम्स जहाँ पे तो लॉ क्लियर है वहाँ तो कोई प्रोजम्पन्स क्या होती हैं तुक्केबाजी लगाना ठीक है तुक्के लगाना अपनी तरफ से एज्यूम करना प्रज्यूम करना ठीक है जहाँ पे तो लॉ क्लियर है वहाँ पे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन जहाँ पे लॉ क्लियर नहीं है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रजम्पशन की जरूरत है जैसे कि दैट द वर्ड्स इन अ स्टैचूट आर यूज प्रिसाइजली एंड नॉट लूजली हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि जो वर्ड स्टैचूट में बहुत ही प्रिसाइजली यूज़ किए जाते हैं सेकेंडली वेस्टेड

ना तो वर्ड्स लूजली यूज़ करते हैं वो गिल्टी माइंड का ध्यान रखते हैं वो ऐसे ही बिना मतलब ऑल्ट्रेशन नहीं करते वो कोई गलती नहीं करते कोर्ट ये प्रज्यूम नहीं करेगा कि एक्ट में गलती है ठीक है देन वो उन्हें अच्छे से पता है एग्जेक्टिव एक्जेक, क्या होता है जुडिशरी क्या होता है तो अपनी प्रिजम्पन इसके हिसाब से ही आपको लगानी पड़ेगी मूविंग फर्दर टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स Moving further to internal and external aids. So internal एंड एक्सटर्नल एड क्या होता है ये आप चीज देखो एड होता है हेल्प ठीक है तो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे हमने इंटरनल हेल्प क्या लेनी है स्टेच्यूट में और एक्सटर्नल क्या लेनी इंटरनल क्या लेनी टाइटल देख लो प्र्पल देख लो हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर देख लो मार्जिनल नोट्स देख लो यू नो इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देख लो प्रोविजो देख लो इलास्ट्रेशन कोई भी एक्ट जो होता है ना उसमें ये सारी चीजें सपोर्टिव अंदर प्रोवाइडेड होती है तो बहुत ही ईजिल आप इन्हें इंटरप्रेट कर सकते हो इसके अलावा अगर एक्सटर्नली भी आपको हेल्प चाहिए अभी भी समझ नहीं आ रहा तो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखो रेफरेंस टू रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज देखो रेफरेंस टू अदर स्टैचूड देखो डिक्शनरीज देखो एंड न्यूज ऑफ फॉरन डिसिजन देखो इसकी हेल्प से जो है आप डेफिनेटली अपना आ, जो है आप आ, इसकी हेल्प से जो है आप डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो इसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है स्टेट को जो एडमिनिस्टर करते हैं ठीक है जो आई वुड से कि लोगों को मैनेज करना उन्हें एडमिनिस्टर करना इसके सोर्सेज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्ट्स और स्टैचूज ऑर्डिनेस एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन नोटिफिकेशन सर्कुलर जुडिशियल डिसीजन ये चार इसके सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनता

प्रीम लॉ है सबसे बड़ा लॉ है जिससे बाहर किसी ने नहीं, नहीं जाना तो सबसे पहले इसी के अंडर हम पढ़ेंगे अब्यूज़ ऑफ डिस्क्रिप्शन किसी भी टाइम पे अपनी डिस्क्रिप्शन का जो अपनी पावर को अब्यूज नहीं करना कैसे मैलाफाइड मैलाफाइड होता है बैड फीथ या बैड इंटेंशन से कोई काम करना ऐसा आपने कुछ नहीं करना अगर आपके ऊपर भरोसा डाला गया तो आपने बैड इंटेंशन से कोई चीज़ नहीं करनी दूसरी चीज़ इनरेलीवेंट कंसिड्रेशन इफ़ अ स्टैचू कॉन्फर्स पावर फॉर वन पर्पज इट्स यूज फॉर डिफरेंस इज नॉट रिगार्डेड एज अ वैलिड जब बोला

खाने के अलग कि आप दिखा तो कोई अच्छी चीज़ रहे हो लेकिन रियलिटी में कुछ और कर रहे हो नॉन कम्पलायंस विथ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक्साइज नहीं हो रहा एक्सीडिंग जुरिस्ट्रिक्शन अपनी जुरिस्ट्रिक्शन को एक्सीड करके कोई चीज़ करना ठीक है देन नॉन कम्पलायंस विद प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शन सेम आ गया ठीक है तो ये पहली चीज थी कि अपनी डिस्क्रिप्शन यानी कि अपने पावर का मिसयूज नहीं करना यानी कि अब यूज़ नहीं करना कैसे कैसे नहीं करना वो आपको बता दिया सेकेंड चीज़ है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड हमेशा जस्टिस की जहाँ पे बात आती है एप्लीकेशन ऑफ माइंड कोई भी लॉजिक होगा वो कैसे दिखाओगे आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड से ही दिखाओगे ना तो सबसे पहली बात कैसे अब नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का कब होता है एक्टिंग अंडर डिक्टेशन ठीक है यानी कि किसी की वो कहते हैं ना किसी के कहे के अंदर कोई कोई काम कर रहा है ठीक है वो वो कहते हैं हम ऑर्डर दे रहा है ठीक है या वो सिखा रहा है ठीक है तो कोई आपको बताता है तब आप डिसीजन लेते हो दैट इज नॉट राइट सेल्फ रिस्ट्रिक्शन खुद को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ठीक है खुद के ऊपर इतनी रिजिड केसेस वो किए हुए हैं सेल्फ रिस्ट्रिक्ट किया अथॉरिटी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रही है ठीक है देन थर्डली एक्टिंग मैकेनिकली एंड विदाउट ड्यू केयर अच्छा बुक में ये लिखा है मैं तो यही लिखूंगा थोड़ा सा कॉमन सेंस थोड़ी सी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ठीक है सेकेंड चीज़ आती है स्टैचुचरी स्टैचुरी हमने अभी पढ़ा स्टैचुरी होता है एक्ट ठीक है मेथड स्टैचुरी रिव्यू का दो होते हैं एक तो स्टैचुरी अपील अगर आप खुश नहीं हो आप फर्दर अथॉरिटी को अपील डाल सकते हो सेकेंड रेफरेंस टू हाई कोर्ट और स्टेटमेंट ऑफ केस अगर ऐसा कुछ है फिर ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ ठीक है तो इस तरीके से आपने इस तरीके से आप इसे रिव्यू कर सकते हो कोई भी स्टैचुरी डिसीजन या स्टैचुरी रिव्यू करवाना है देन लास्टली ऑर्डिनरी और इक्विटेबल ऑर्डिनरी या इक्विटेबल होते हैं दैट विच आर अवेलेबल टू पर्सन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन द ऑर्डिनरी कोर्ट्स प्रोवाइड ऑर्डिनरी रेमिडीज एंड द रेमडीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डनरी कोर्ट्स और जैसे इंजंक्शन कर देती है इंजंक्शन एक प्रिवेंटिव रेमिडी हो जाती है ठीक है एक रोक लगा देती है या टेम्परली कंपल से कुछ फैसला दे देती है ठीक है अब इंजंक्शन कैसे होते हैं एक होता है प्रोहिबिटरी

करना टेम्प्ररीली करना पर पैचुअल होता है कंक्लूजन पे करना एंड पे करना ठीक है जो फाइनल केस डिसाइड हो रहा है उस टाइम पे करना

तो so, कुछ केसेस में जो है डेक्लेटरी जजमेंट जो है पास की जाए डेक्लेन में जुडिशियल ऑर्डर हो सकता है या कोर्ट डिक्लेयरिंग द पार्टीज उस तरह से किसी चीज की डिक्लेरेशन करना राइट right? किसी राइट ये किसी ऑर्डर की एक्शन फॉर डैमेजेस डैमेजेस के लिए एक्शन लेना ग्रीव पार्टी जो है वो अगर मतलब कुछ किया है बाय द एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट तो जो है पर्सन जो है वो केस फाइल कर सकता है फ्रॉम द गवर्नमेंट कंसर्न ठीक है देन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का विच इज़ नेचुरल जस्टिस नेचुरल जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने इसको ध्यान से देखना है नेचुरल जस्टिस वैसे क्या होता है जो एक हम जैसे वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इट्स लाइक अ नेचुरल जस्टिस नेचुरल जस्टिस देना ही होता है किसी के भी खिलाफ आप ऐसे ही सजा नहीं सुना सकते उसे बिना सुने बिना उसकी बात सुने तो इस तरीके से

भी ऐसा मैटर जिससे जज रिलेटेड है ठीक है तो है मस्ट भी लेकिन इस ग्राउंड को इजीली प्रूव नहीं किया जा सकता तो इसके लिए ना इंटीमेट एंड डायरेक्ट कनेक्शन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ऐसे नहीं है कि आपने बोल दिया ऐसे लिए?

गरिज़ लेकिन इसे प्रूफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल है ठीक है पिक्यूनरी में भी इतना मुश्किल नहीं है पर्सनल में भी नहीं है लेकिन इसे प्रूफ करना तभी उन्होंने बोला कि इंटीमेट एंड डायरेक्ट कनेक्शन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्दर रूल अब ये तो बायसनेस हो गया दूसरी है फेयर हियरिंग फेयर हियरिंग जरूर कर है फेयर हियरिंग मतलब दोनों पार्टीज को सुनना है ऐसे नहीं है कि एक ने एक ने एप्लीकेशन लगा दी तो आप दूसरे को पकड़ के ले आओगे तो सबसे पहले राइट टू नोटिस अब अब यहाँ तक अब वैसे ये जैसे पहले केसेस है लेकिन नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि जिसके खिलाफ केस हुआ है आपने उसे बता देना है ताकि वो एक बार आ जाए अपने आप को रिप्रेजेंट करे आप किसी को ऐसे ही सजा नहीं सुना सकते बिना उसे बताए कि उसने क्या गलती की है ठीक है तो सबसे पहले उसे बताओ ही हैज ऑल द राइट टू नोटिस सेकेंडली राइट टू प्रेजेंट द केस एंड एविडेंस वो डेफिनेटली डिफेंडेंट आ सकता है अपने केस को प्रेजेंट कर सकता है अपने लिए बोल सकता है राइट टू रिबट एडवर्स एविडेंस अगर दूसरी पार्टी कोई गलत एविडेंस दे रही है तो उसे उसके वो उसके लिए बोलेगा कि भाई ये एविडेंस मेरा नहीं है या ये एविडेंस गलत है वो बिल्कुल बोल सकता है वो रिबट कर सकता है उस एविडेंस को ठीक है या किसी मटीरियल को अब वो कैसे जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन होती है ठीक है डिफेंडेंट जो की जो लॉयर होता है वो रिस्पोंडेंट को क्रॉस एग्जामिन करता है जानने के लिए कि इसने केस किया है क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं लीगल रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हो ठीक है लीगल रिप्रेजेंटेशन वही अपने लॉयर के थ्रू जो रिप्रेजेंटेशंस होती हैं वो कर सकते हो डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जिसने केस किया सिर्फ वही एविडेंसेस लेके आ सकता है डिफेंडेंट भी एविडेंसेस लेके आ सकता है एंड लास्टली स्पीकिंग ऑर्डर्स यानी कि रीजन डिसीजन मे बी टेकन टू मीन अ डिसीजन विच कंटेन्स अ रीजन टू विथ सपोर्ट ठीक है स्पीकिंग ऑर्डर्स भी हो सकते हैं जैसे आर्बिट्ररी होती है राइट जजमेंट अपील्स वो सारी चीज़ें तो ये चार तरीके हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए कुछ चीज़ें एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस जिसमें नेचुरल जस्टिस नहीं माना जाता स्टेचूचरी एक्सक्लूशन अगर स्टैचूट में लिखा है इसकी बात नहीं सुननी ठीक है अगर स्टैचू में लिखा हुआ है कि आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो अगर ये पर्सन नहीं आता ठीक है या इस पर्सन को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ये क्लेम किया तो स्टैचरी एक्सक्लूजन के केस में हम नेचुरल जस्टिस को नहीं मानते सेकेंडली एमरजेंसी कोई एमरजेंसी में डिसीजन लेना है कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा है मेजरली तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में होता है ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में हमें फटाफट डिसीजन चाहिए एमरजेंसी में आपको डिसीजन चाहिए तो आप डेफिनेटली यू नो थे हमारे नेचुरल जस्टिस को ओवरलुक करके कर सकते हो इंटरिम डिसिप्लिन रिएक्शन यानी कि एक होता है फाइनल जो कि केस के कंक्लूजन में होता है एक होता है इन बिटवीन इंटरिम उस केस में भी आप कर सकते हो नेचुरल जस्टिस को क्योंकि फिर वो ये कहते हैं ना केस तो अभी चलना ही है राइट right? उस तरीके से एंड अकेडमिक एवैलुएशन जैसे कि स्कूल्स में वैल्युएशन होती है ना तो उस केस में नेचुरल जस्टिस की जरूरत नहीं है यानी कि वो एक प्री डिसीजनल हियरिंग्स की जरूरत नहीं होती अनसेटिस्फैक्ट्री सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट क्लियर अगर

कैंसल हो गया था ड्यू टू ग्राउंड ऑफ मास कॉपी कोर्ट हेल्ड की पॉसिबल ही ना कि सबको मौका दिया जाए पता नहीं कितने हजारों लाखों में लोग होंगे सबसे सुनेंगे दैट इज नॉट पॉसिबल सो दीज आर सम आई वुड से एक्सेप्शन टू नेचुरल जस्टिस स्टैचरी एक्सक्लूजन यानी कि एक्ट में से एक्सक्लूडेड है इमरजेंसी का केस है इंटरम डिसिप्लिन इंटेरम इसलिए क्योंकि फाइनल में तो फिर पूरी बात सुनी ही जाएगी देन अकेडमिक वैल्युएशन देन इम्प्रैक्टिबिलिटी लेकिन अगर आप नेचुरल जस्टिस को नहीं लेते हो तो फिर क्या होता है वेन एन अथॉरिटी ऑब्जर्व ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व नेचुरल जस्टिस दे फेल टू डू सो जनरली स्पीकिंग वॉइडेबल ऑर्डर मीन्स तो अगर नेचुरल जस्टिस को नहीं माना जाता तो क्या ऑर्डर वॉइड होगा या वॉयडेबल होगा अब आप सब सी एस सी टी करके आए हो बच्चे हो आपको पता होना चाहिए वॉइड void और वॉयडेबल में क्या फ़र्क होता है फिर भी बता देती हूँ वॉयडेबल होता है कि जब इसकी इंसेप्शन हुई थी जब ये शुरू हुआ था तब ये वैलिड था और जब तक इसे सेट असाइड या क्वैश नहीं किया जाता ये वैलिड ही रहेगा बाय द कोर्ट्स दैट इज इट हैज अ लीगल इफेक्ट अपटिल टेबल उस पॉइंट से होता है ठीक है शुरुआत से वो गलत नहीं था शुरुआत से वो सही था शुरुआत से वो वैलिड था शुरुआत से वो लीगल था लेकिन जब वो सेट असाइड या क्वैश हुआ तब वो वॉइडेबल वो बना ठीक no right? है ऑन द अदर हैंड वॉइड ऑर्डर इज नो ऑर्डर फ्रॉम इट्स इंसेप्शन एंड इट्स नलिटी एंड वॉइड एब इनिशियो राइट लेकिन ये नलिटी और वॉइड एब इनिशियो है तो ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट के पास गया ठीक है अब आपको ये तो पता चल गया कि वॉयडेबल कौन से होते हैं ठीक है जो जो कि इंसेप्शन से वैलिड रहते हैं लीगल रहते हैं अनटिल दे आर aside और अनटिल दे आर क्वैश ऑन द अदर हैंड जो वॉइड होते हैं वो शुरू से ही वर्ल्ड होते हैं वॉइड अब इनिशियो अब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने कहा थोड़ा डिफरेंट एंगल आया अब उन्होंने बोला ऑर्डर वॉज दस इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वो वॉइड हो गया द कोर्ट रूल डेफिनेटिवली दैट एन ऑर्डर इनफ्रिजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट मेड विदाउट हियरिंग ये राइट right जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है तो मतलब वो शुरू से ही गलत था वो वॉइड अब इनिशियो ही हुआ ना आपने पहले से ही फैसला किया नहीं कि पहले ही अपनी गलती

ठीक है शुरू से ही गलत था आप शुरू से ही पर्सन की जो है फंडामेंटल राइट right को अफेक्ट कर रहे थे राइट right? तो इस तरीके से आपने जवाब देना है कि अगर आप नेचुरल जस्टिस नहीं देते हो तो वो ऑर्डर ही गलत हो जाता है वॉइड एप इनिश हो, हो जाता है विद दिस वी एंड दिस